बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेंटेजेस के कुछ एडवांस टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करने की। तो इसकी एग्जांपल आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट जगह चैनल को सब्सक्राइब करें, एडवांस में लाइक कर दें वीडियो को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। परसेंटेज के लिए अगर हम बात करें, नॉर्मल जैसे रिजल्ट वगैरह में मार्कशीट के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट्स नंबर है उनको टोटल किया जाता है। जैसे हमने सम लगाया यहाँ पर प्लस, और फिर उसको हमने किया ड्रैग, तो ये टोटल आ गया। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो 100, 200, 300, टोटल 3 सब्जेक्ट है, 300 यहाँ पर हमने वो लिख लिया। परसेंटेज के लिए सिंपल हम ऑप्टेन को डिवाइड करते हैं टोटल, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर इसको डायरेक्ट एंटर करना है तो इस तरह एंटर कर सकते हैं, और इसको परसेंटेज साइन में देखने के लिए आप यहाँ पर परसेंट पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज में लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू। और अगर आप चाह रहे हैं कि परसेंटेज के साइन के बगैर आए, तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, F2 कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 100, और इसको यहाँ से हम कर देंगे नॉर्मल, ठीक है, जनरल जो परसेंट किया था यहाँ से जनरल करेंगे इसको। तो इस तरह परसेंट के साइन के बगैर जो है ये लिखी हुई आ जाएगी 92। और अगर आपको परसेंट का साइन चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें, और फिर इसको यहाँ परसेंट के लिख करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 100 करेगा, और प्लस परसेंट का साइन भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। और इसी के अगर डेसिमल्स को कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर हमारे पास होम में डिक्रीज डेसिमल होता है, इससे आप पॉइंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मार्कशीट के अंदर अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट वगैरह कर रहे हैं उसकी एक एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। जैसे सेल्स ग्रोथ के अंदर क्या होगी, या कोई ऑर्डर है, कोई डिलीवरी है, तो कितने परसेंट डिलीवरी हो चुकी है, ऑर्डर रिमेनिंग रह गया है, या फिर स्टॉक अवेलेबल है, किस परसेंट कितने परसेंट स्टॉक जो है वो हमारा ऑर्डर कौन सी प्रोडक्ट का आया है वो, और फिर कितना हमारे पास टोटल ऑर्डर रहा, कितना उसका टोटल डिलीवर है, तो उसकी कितनी परसेंटेज रही स्टॉक की। ये सारी एडवांस एग्जाम्पल के लिए मैंने एक शीट को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर कैटेगरीज है हमारे पास ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, फार्मेसी, सीजनल, और यहाँ प्रोडक्ट्स नेम है, अवेलेबल हमारे पास ये स्टॉक में अभी है, उसकी प्राइस लिखी हुई है, इन्वेंट्री वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अवेलेबल से, तो अभी हमारी जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी, और इसको ट्रैक करेंगे रीऑर्डर, यानी अगर ये लेवल 70 से 29 पर आता है तो हमारे पास रीऑर्डर के अंदर लेवल रेड होकर और रीऑर्डर लिखा हुआ आ जाए। तो ये सारा इसके अंदर किस तरह कैलकुलेट होगा वो किया हमने, और फिर उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी जो हमें डिलीवर करनी है वो डिलीवर वन, यानी पेंडिंग अगर डिलीवर हमें इंस्टॉलमेंट में करनी है कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इस तरह से, तो उसकी कितनी पेंडिंग है, फिर सेकंड डिलीवरी में कितनी हमारी पे हो गई है यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेकंड डिलीवरी के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो आ गई, फिर क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास डिलीवरी के बाद जो ऑर्डर क्वांटिटी थी, टोटल डिलीवरी के बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा हमारा स्टॉक, उसके बाद रीऑर्डर के अंदर हमारे पास अगर उसकी रीऑर्डर इन्वेंट्री जो थी 0.29 से कम हुआ था, तो यहाँ रीऑर्डर और जो उसकी क्लोजिंग बैलेंस के साथ है वो लिखी हुई यहाँ वैल्यू आई। और अगर उसकी रीऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है, क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा है उससे, तो नॉर्मल स्टॉक लिखा हुआ आता है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो परसेंटेज की मैंने बात करी थी, परसेंटेजेस के लिए यहाँ पर परसेंटेजेस ऑफ डिलीवरी, जो ऑर्डर हमें रिसीव हुए हैं उसका कितने परसेंट डिलीवरी हो चुकी है, जिनकी कंप्लीट हो गई है उनकी 100% यहाँ लिखी भी आ जाएगी, ठीक है जी, ये 100% हो गई, ये 100% हो गई। तो इस डेटा को रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज में लिखी हुई आ रही है वैल्यू हमारी। उसके बाद जो ऑर्डर था जिस प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ मैंने लिस्ट बनाई हुई ग्रॉसरी के, कितना परसेंट ऑर्डर था 35, और अवेलेबल थी हमारे पास 63, तो टोटल ऑर्डर जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये था, और टोटल हमारे पास अवेलेबल स्टॉक उसका ये था। तो ये हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है, और इसके अंदर क्वांटिटी के हिसाब से हमारी परसेंट वैल्यू इधर से हम चेक कर सकते हैं हर आइटम की कैटेगरी के हिसाब से। एक ऑर्डर हमारा 700 था, अवेलेबल हमारी ये थी, उसकी परसेंट और अवेलेबल परसेंट वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो इसमें भी और मजीद आप कैटेगरीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी अगर हम बात करें, तो कॉस्मेटिक का जो ऑर्डर है वो 39% है, ये हमारे पास का ये रिकॉर्ड छोड़ रहा है। ग्रोसरी का 31% था, फार्मेसी का 14%, सीजनल का जो है 17%, ठीक है जी। ये कौन से परसेंट के हिसाब से शो कर रहा है, जो यहाँ पर हमारे पास एंट्री हुई हुई ग्रोसरी, फार्मेसी और कॉस्मेटिक, तो उस कैटेगरी के हिसाब से ये यहाँ पर परसेंट बता रहा है कि इस आइटम का कितने परसेंट आपके पास रिकॉर्ड रहा है, ठीक है जी। ये सारा हमारे तो इस शीट में जो सब कैलकुलेट होकर आ रहा है हमारे पास, वो किस तरह से, कौन से फॉर्मूलों की मदद से सारा अमाउंट आ रहा है, ये हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे।
तो अब इसकी कैलकुलेशन को मैं समझाता हूँ। यहाँ से हम कॉपी ले लेते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके करेंगे। अब इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल को समझाता हूँ। यहाँ पे जो परसेंटेजेस हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो जो फॉर्मूले थे वो मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, बाकी जो ऑर्डर लेवल दिया हुआ, ये सारे हमारी ऑर्डर क्वांटिटी डिलीवर करनी है। हमारे पास जो ऑर्डर मिले हैं, हमें डिलीवर हमने ये कर चुके हैं, और पेंडिंग हमारा क्या रह गया, इक्वल ऑर्डर क्वांटिटी माइनस करेंगे डिलीवर से, एंटर और ड्रैग करेंगे। अभी डिलीवरी सेकेंड में जो हम पे रिमेनिंग बचेगी वो यहाँ से हमें डिलीवर करनी है। जैसे डिलीवर 20 होगी, 13 की रिमेनिंग रह गई है, तो जब 30 हो जाएगी यहाँ पे, 30 हम पे कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में इसकी माइनस होके टोटल जो बचेगी वो आ जाएगी। तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, और जो अवेलेबल स्टॉक है उसको माइनस करेंगे प्लस डिलीवरी, ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन डिलीवरी प्लस करेंगे डिलीवरी टू, डिलीवरी वन और डिलीवरी टू। तो उसके बाद जो हमारे पास बचेगा अवेलेबल में से वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, एंटर और ड्रैग कर देंगे इसको। अब जैसे यहाँ पर 30 थी, 30 डिलीवर हो गए, तो उसके बाद 27 बची है। यहाँ पर हमारे पास 177 थी, 50 की ऑर्डर क्वांटिटी थी, 127 रिमेनिंग हो गई। तो इस तरह जो जो डिलीवरी होती जाएगी उसकी डिलीवरी डेट के साथ आप यहाँ पर एंट्री करते रहेंगे उसकी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हमारे पास रीऑर्डर करना पड़ेगा। रीऑर्डर के लिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इक्वल इफ क्लोजिंग बैलेंस लेस देन इक्वल है यहाँ पर रीऑर्डर पॉइंट के, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पर रीऑर्डर लिखा हुआ है, फिर इनवर्टेड कॉमा कॉमा, नहीं तो नॉर्मल लिखा हुआ आ जाए, फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर और ड्रैग, और रीऑर्डर हाईलाइट के लिए हाईलाइट इक्वल, और यहाँ पर हम रीऑर्डर के लिए कलर सेट करेंगे इसका। रेड आ रहा है डिफॉल्ट, रेड कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बोल्ड के साथ क्लियर कर दिया मैंने, कलर वो वाला एडिट नहीं हुआ, ठीक है जी। अपनी मर्जी से आप यहाँ पर कलर इसका कस्टम फॉर्मेट, फिल रेड फॉन्ट बोल्ड, और यहाँ से कलर वाइट, ओके ओके कर दिया हमने, ठीक है जी। अब परसेंटेज के लिए कि कितने परसेंट डिलीवरी हो चुकी है, तो इसके लिए हम इक्वल जो डिलीवरी वन है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर डिवाइड कर देंगे उसके ऑर्डर से, ठीक है जी, इंटर और ट्रैक, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका परसेंट क्लिक, और ये हो गया हमारा डिलीवरी वन का ऑर्डर। और इसी तरह इसी को अगर डिलीवरी टू के लिए हमें आगे बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इसको डिलीवरी टू से डिवाइड कर देंगे ऑर्डर क्वांटिटी का, और ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है जी। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी इंटर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो शो हो रहा है, यहाँ पर हम परसेंट क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी टोटल वैल्यू रिमेनिंग की जो होगी वही बचकर आ रही है यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास 25 है, रीऑर्डर 30, और इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है, 39, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको रीऑर्डर के लिए प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, जैसे 100 हो गई हमारे पास, अब इनकी 25 रिमेनिंग थी, तो यहाँ पर 25 डिलीवर हो गई नॉर्मल, और 50 50 100 हो गई दोनों, ठीक है जी। तो इस तरह से दो अगर कैटेगरीज के अंदर हमें इनको डिलीवर करना है, तो इस तरह से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। सिंगल अगर रखनी है तो फिर रिमेनिंग के लिए सिंगल रख लें, इसको आप हटा दें, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब कितने स्टॉक इसका प्रोडक्ट्स का, हमारी जो कैटेगरीज हैं, कितने परसेंट ऑर्डर मिला है हमें किस प्रोडक्ट का, यानी हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सी थी जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर है, ये 39 है, कॉस्मेटिक फार्मेसी और ये, ठीक है जी। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए या तो इनके अलग अलग नाम जो है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, या फिर इसकी जो चार कैटेगरीज हैं इसी को मैं उठा लेता हूँ, कॉस्मेटिक फार्मेसी, और यहाँ पर आ रहा है ग्रॉसरी, और यहाँ आ रहा है सीजनल, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर हम कंट्रोल ऑल्टर वी ट्रांसपोज में पेस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है जी। इस सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, तो हर प्रोडक्ट का क्या हमारे पर परसेंटेज का अमाउंट रहा, वो
उससे पहले परसेंटेज हर कैटेगरी का देखने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है उसको प्लस करेंगे, प्लस के लिए सम, ठीक है जी, सम फॉर्मूले लगाएंगे, ऑल ऑर्डर क्वांटिटी प्लस करी हमने एंटर, और फिर सेम इसके अंदर जो अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमने इसको प्लस किया, ठीक है जी। अब इसको प्लस करने के बाद यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल सम, इफ रेंज के अंदर हमारे पास आ जाएगी कैटेगरी का कॉलम ऑल, F4 कर देंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ पर कॉस्मेटिक आ जाएगी, फिर कॉमा सम रेंज के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी मिल रही है हमें वो टोटल सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है इसके अंदर, और फिर हम इसको भी कर देंगे F4, ये हमारी रेंज हो गई। अब इसको राइट फिल करना है, तो ये जो क्राइटेरिया होगा हमारा ये नॉर्मली रखेंगे सेल, ताकि ये राइट फिल करें, तो P6 इसका भी सेल एड्रेस है मेरे पास, पी कॉलम और 6 रो, और जब राइट फिल करेंगे तो ये जाएगा Q6 यानी फार्मेसी पे, तो फिर जो फार्मेसी की परसेंटेज होगी वो आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये टोटल क्वांटिटी बता रहा है, अगर टोटल क्वांटिटी चाहिए तो आप टोटल क्वांटिटी के लिए भी आप इसको इस तरह से फिल कर लें, राइट, हर प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी आ गई, कितनी मिली है आपको टोटल ओवर और स्टॉक के अंदर, और फिर परसेंटेज के लिए इसी को मैं यहां से रो वाइज फिक्स कर रहा हूँ और नीचे ड्रैग कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी। इसको नीचे ड्रैग करने के बाद इसको मैं कर रहा हूँ मर्ज, और इसमें एक चेंजेस करनी है एडिशन फार्मूले में, जहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ है इसके साथ डिवाइड लगा दें, क्योंकि हम परसेंटेज के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसका टोटल सेल, ठीक है जी, जो क्वांटिटी ऑर्डर का है, इसको टोटल सेल सिलेक्ट करके F4 करेंगे इसको और इंटर, तो यहाँ से फिर हम इसको राइट फिल कर देंगे मर्ज, और इसी फॉर्मेट के साथ ये आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ से हम कर देंगे परसेंटेज क्लिक। ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो वो बराबर इक्वल होगी हमारे 100 के, इसके लिए हम सम करेंगे, ऑल परसेंटेज को प्लस करके चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, तो 100 हो गई परसेंटेज ओवरऑल डेटा की हमारी, बिल्कुल सही कैलकुलेशन हुई है हमारी, ठीक है जी। और ये हमारी प्रोडक्ट्स की ईच डिटेल इसके साथ, ठीक है जी, तो ये इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैं थिक बॉर्डर कर रहा हूँ, और ये जो मैंने किया था स्टेप ड्रॉप डाउन बनाया हुआ था, तो एक एक करके हम चेक कर रहे थे 31, ठीक है, ग्रॉसरी सेम वही आंसर एक साथ हमारे सामने आ गया, कॉस्मेटिक 39, इसी तरह फार्मेसी जो है 14, इसी तरह हमारे पास सीजनल जो है वो 17%। टोटल ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो वही कैटेगरी है वही सीजनल की 300 थी, और इसकी जो अवेलेबल हमारे पास प्रोडक्ट्स थी उसके लिए मैंने ये फार्मूला लगाया हुआ है, और जिसमें हमारे पास अवेलेबल था वो हमने फार्मूला इसके अंदर यूज किया है, ठीक है जी। तो इधर भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ऑर्डर और अवेलेबल, और अवेलेबल में हम यहां से इसको अगर डाउन शिफ्ट करते हैं, अच्छा तो यहाँ पर मर्ज की प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं इंसर्ट सेल क्लिक करके देखता हूँ, ये डाउन शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और इसको कंट्रोल माइनस, और इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे सम रेंज के लिए, रेंज में हमारे पास कैटेगरीज आ जाएंगी ऑल, और इसको हम करेंगे F4 कॉमा, प्रोडक्ट में ये आ जाएगी कॉमा, और अवेलेबल रेंज देखनी है इस दफा हमें, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास अवेलेबल होगी वो, तो ये आप इस F4 कर देंगे इसको और कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज, तो ये आप इस लिहाज से भी चेक कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर हमें मिल चुके हैं और कितनी अवेलेबल है और कितना ऑर्डर हमें डिलीवर करना है, उस ऑर्डर का अवेलेबल के हिसाब से कितने परसेंट हमें उसकी ऑर्डर मिले यानी सेल्स। तो अब हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं, ग्रॉसरी 11:38, ठीक है जी, 550 इसका ऑर्डर है, तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह रीऑर्डर डिलीवरी के बाद परसेंट, फिर उसका टोटल परसेंट, तो ये सारी हमने इसमें कैलकुलेशन को समझने की कोशिश की है, हर ईच प्रोडक्ट की परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कैटेगरीज की वो मैंने आपको समझा दिया नॉर्मल। कुछ और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं इसी की परसेंटेज के, अब जैसे यहाँ पर एम्प्लॉइज दिए हुए इनकी टारगेट है और इनकी एक्चुअल सेल्स 1 है, सीजन 1 है, या जो भी आपकी सेल्स की फील्ड्स होंगी वो आपने बनाई, और उसमें टारगेट के हिसाब से जो एक्चुअल उन्होंने सेल्स करी है वो हमारे पास दी हुई है। अब इनकी अचीव कितनी हुई है परसेंट के अंदर हमें चेक करनी है वैल्यू, तो इसको सेल्स 1 का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको
डिवाइड करेंगे टारगेट से और तीन दफा F4 करेंगे इसको कॉलम वाइज फिक्स एंटर और इसको डाउन और राइट फिल करेंगे। तो यहाँ पर परसेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने परसेंट जो सेल्स वन और सीजन वन में टू में जो कवर किया है वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा इस तरह परसेंट के अंदर। इसी तरह एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी और सोल्ड दी हुई है तो कितने परसेंट सेल परसेंटेज हुई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये हमारी परसेंटेज सेल्स आ जाएगी इस तरह से। डेसिमल्स के लिए डिक्रीज कर लेंगे यहाँ पे तो इस तरह से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है जी, परसेंटेज के अंदर एक और परसेंटेज टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं। परसेंट चेंज यानी लास्ट मंथ ये थी हमारी वैल्यू सेल्स और दिस मंथ ये थी, तो इसकी वैल्यू को देखने के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन इसको माइनस करेंगे लास्ट मंथ से। ठीक है जी, दिस मंथ को माइनस करा लास्ट मंथ ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड कर देंगे लास्ट मंथ, तो जो परसेंट चेंज होगी बिटवीन मंथ की वो आ जाएगी हमारे पास। यहाँ परसेंट क्लिक करेंगे ठीक है जी, यहाँ ठीक है जी 65 कर दिया और मैंने ड्रैग करा यहाँ पे, तो हर परसेंटेज चेंज बिटवीन लास्ट मंथ दिस मंथ के दरमियान की वो आ जाएगी प्रोडक्ट के डिफरेंस, जिसको हम देख सकते हैं इस तरह से। रैप इसको भी रैप कर लेते हैं, यहाँ से मैं रॉ की हाइट को बढ़ा लेता हूँ। इसी तरह एक और परसेंटेज के एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस दिए हुए हर मंथ की और इसको टोटल एक्सपेंस को हम कवर करने के लिए हेडिंग दे रहा हूँ टोटल एक्सपेंस, और यहाँ पर ऑल्टर इक्वल या सम की फॉर्मूला यूज करके ऑल इंटायर एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ये सम का फॉर्मूला लग गया एंटर, टोटल हमारा अमाउंट आ गया। और फिर परसेंटेज के अंदर देखने के लिए एक्सपेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल F4 ड्रैग और इसको हम परसेंट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हर महीने के जितने परसेंट एक्सपेंस रिपोर्ट होगी वो आ जाएगी इसकी। टोटल में हम सम करेंगे तो 100% आना चाहिए, फॉर्मूला सही होगा बिल्कुल। ठीक है जी 100% आ गया ये टोटल हमारा। एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ओल्ड प्राइस और परसेंटेज हमें 15% दी हुई है यहाँ पर, अब इसकी न्यू प्राइस क्या होंगी यानी इसमें हमारे पास 15% ऐड होगा, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस कर देंगे परसेंटेज। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर न्यू प्राइस जो होंगे वो आ जाएंगे। तो ये इसने कैलकुलेट किस तरह किया, इसका मल्टीप्लाई 15 और फिर इसके अंदर ओल्ड में प्लस इसका एड अमाउंट हो गया, आ गया यही सेम आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से कैलकुलेट एक ही फॉर्मूले से हो गया। अब मान लीजिए परसेंटेज दी हुई थी इंक्रीज की, अगर आपसे कहा जाए ये डिस्काउंट है। ठीक है जी, तो इसी की अगर हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्काउंट के लिए ले लें कि 15% जो ऑफर चल रही है डिस्काउंट, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कंट्रोल जेड और इसकी प्राइस क्या होगी आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इक्वल इसी को प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन 1 माइनस कर देंगे इस दफा डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट के बाद होगी वैल्यू वो आ जाएगी इस तरह। ठीक है जी, अगर डिस्काउंट है तो फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और अगर ऐड करनी है परसेंटेज तो प्लस करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको ग्रोथ परसेंटेज के लिए। ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कंडीशन के अंदर परसेंटेज इस तरह निकालेंगे। तो जितनी इसमें हो सकती थी उतनी मैंने परसेंटेज को कवर करके आपको एग्जांपल से समझाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो की लाइक भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जो फर्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शाह आपको इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।